मेरा चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लेंडा विश जेल के बारे में कि इसका इस्तेमाल किस किस प्रॉब्लम में करते हैं, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करना है, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेडिसिन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, यह है क्लेंडा विश जेल जो कि 20 ग्राम की ट्यूब में आती है। और बात करें इसके प्राइस की तो इसे आप 130 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। और बात करें इसके कंटेंट की तो इसमें क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट एंड निकोटीनामाइड होता है। तो चलिए हम एक एक करके इनके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। क्लिंडामाइसिन एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरपूर एजेंट है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। दूसरा है निकोटीनामाइड, ये विटामिन B3 का एक्टिव फॉर्म होता है। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि पिंपल क्यों होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारे स्किन में बहुत सारे पोर्स होते हैं। जब वो पोर्स गंदगी से बंद हो जाते हैं, जैसे कि आप बाहर जाते हैं या डस्ट से, पसीना से या आपके डेड स्किन से पोर्स बंद हो गए हैं, उसके बाद फिर उसमें वाइट हेड्स फॉर्मेशन हो जाता है। और जब वो वाइट हेड्स ऑक्सीडाइज होता है तो वो ब्लैक हेड्स में बदल जाता है। फिर उसी में बैक्टीरिया ग्रो करके पिंपल मुहासे में बदल जाते हैं। जो क्लिंडामाइसिन है वो बैक्टीरिया को किल करता है और बैक्टीरिया को मारकर बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करता है। लेकिन जो निकोटीनामाइड है वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी से भरपूर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि पिंपल होता है, वहाँ पर सूजन आ जाती है, स्किन पर रेडनेस आ जाती है, वहाँ पर आपको पेन भी होता है, तो वहाँ पर निकोटीनामाइड जो है रेडनेस को कम करने का काम करता है। इसके साथ ही बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में नियासिनामाइड होता है, जिसे निकोटीनामाइड भी कहते हैं, क्योंकि यह आपके स्किन टोन को फेयर इवन करता है। यह आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है, जो आपके स्किन में पिगमेंटेशन होता है उसे कम करता है। तो यह दो कॉम्पोनेंट से मिलकर बनी कॉम्बिनेशन क्रीम है, जिसमें एक एंटीबायोटिक और दूसरा निकोटीनामाइड होता है। तो दोस्तों, देखा जाए तो इस क्रीम का इस्तेमाल ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है, और डेफिनेटली रिमूव करता है यह क्रीम। और सेकेंड बेनिफिट इसका यह है कि अगर आपके स्किन में बहुत सारे एक्ने हों तो यह एक्ने को कंट्रोल करता है और आपकी स्किन को फेयर करता है। अगर आपके फेस पर थोड़ी ही पिंपल हो रहे हों या एक्ने हो रहे हों तो आपको इस जेल को उस जगह पर लगाना है। यह डेफिनेटली वर्क करता है और यह क्रीम आपको 100% रिजल्ट देता है। थर्ड बेनिफिट इसका यह है गाइस कि अगर आप कोई क्रीम लगा रहे हों और उस क्रीम की वजह से आपके फेस पर रेडनेस, सूजन जैसे साइड इफेक्ट दिख रहे हों तो ऊपर से आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह 100% वर्क करता है। फोर्थ बेनिफिट इसका यह है कि अगर आपकी स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या आपकी स्किन में ईचिंग हो रही है तो आप इस जेल को इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपकी स्किन को बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। दोस्तों, यह जेल 100% रिजल्ट देता है और यह आपके फेस को फेयर करता है, उसके साथ ही कूलिंग इफेक्ट भी देता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस जेल को कैसे लगाना है। तो दोस्तों, अगर आप इस क्रीम को यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसको दिन में एक बार लगाना होता है, जहाँ जहाँ पर पिंपल और दाने हो रहे होते हैं। बात करते हैं इसके कुछ सावधानियों के बारे में। तो दोस्तों, इस जेल को यूज़ करने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लें, उसके बाद ही इस क्रीम को लगाएं। क्रीम को यूज़ करने के बाद इसे टाइटली क्लोज कर दें। तो दोस्तों, यह थे इसके कुछ सावधानियाँ। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं, अगर आपको यह क्रीम सूट नहीं करती है तो आपकी स्किन पर ड्राइनेस हो सकती है, जैसे स्किन बर्न हो जाती है वैसे हो सकता है, पपड़ी जैसे बनकर निकल सकता है, वहाँ पर आपको जलन हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि यह क्रीम आपको सूट नहीं कर रही है। ऐसे ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बने रहते हैं। अगर ये साइड इफ़ेक्ट आपको लंबे समय तक बने रहते हैं तो इस क्रीम को लगाना बंद कर दें और तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। तो दोस्तों, यह था क्लिंडा विश जेल का कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको इस जेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।